हिंदू चींटी भी मारना पसंद नहीं करता है, हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? जो हिंदू पीपल में, बरगद में, बट में देवी देवताओं का वास समझता हो, जो हिंदू सर्पों में देवता मानकर पूजा करता हो, जो हिंदू गौ माता में, नंदी बाबा में देवत्व का वास समझकर पूजा करता हो, पूजन करता हो, वो हिंदू कभी हिंसक कैसे हो सकता है? अगर हम हिंसक होते तो क्या राहुल गांधी ये शब्द बोल पाते क्या? सोना हमेशा सोना रहता है, उसमें कभी कालिक नहीं लगती। तो सनातन धर्म एक ऐसा स्वर्ण है, एक ऐसी भारत की क्या पूरे विश्व की ऐसी शोभा है, उसे कोई भी नहीं धुंधला सकता। तो वो सदा चमकती रही है, चमकती रही थी और चमकती रहेगी। हिंदुस्तान में जो है हिंदू राष्ट्र का जो है झंडा फहराया जाएगा। हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है प्रोग्राम चलता ही रहेगा और इससे भी जोरों शोरों से चलेगा। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। सनातन धर्म का कभी अहित तो कोई कर नहीं सकता। बहुत लोगों ने प्रयास किया परंतु सब मिट गए। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी मौजूद है। हम जानना चाहेंगे बीते दिनों राहुल गांधी खासकर हिंदुत्व पे जिस तरीके से बयान देते उसे लेकर महाराज जी क्या सोचते हैं? जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया है सनातन धर्म को जानबूझकर बार बार टारगेट किया जाता रहा है, सबसे पहले इस टारगेट को आप कैसे देख? पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ जनता जनार्दन का, सनातन प्रेमियों का, हिंदू जनमानस का, जिन्होंने सनातन से प्यार करने वाला, संस्कृति से प्यार करने वाला, भव्य मंदिर कैसे बने उसकी चिंता चिंतन करने वाला, कैसे भविष्य में भव्य मंदिर भगवान कृष्ण का बने उसकी चिंतन करने वाले को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। दुर्भाग्य है ऐसे कुछ राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का, कट्टरपंथियों का, धर्मद्रोहियों का जो मोदी से नहीं लड़ पाते हैं वो सनातन को टारगेट करते हैं। जिस प्रकार सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इससे ख़त्म कर देना है। जिस प्रकार से ये कह देना कि सनातन में एक शक्ति है उससे हमारी लड़ाई है, यह कह देना हिंदू हिंसक होता है, पीड़ा होता है, हिंदू चींटी भी मारना पसंद नहीं करता है, हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? जो हिंदू पीपल में, बरगद में, बट में देवी देवताओं का वास समझता हो, जो हिंदू सर्पों में देवता मानकर पूजा करता हो, जो हिंदू गौ माता में, नंदी बाबा में देवत्व का वास समझकर पूजा करता हो, पूजन करता हो, जो भारत भूमि को भारत माँ का दर्जा देकर पूजा और पूजन करता हो, वो हिंदू कभी हिंसक कैसे हो सकता है? मैं उन राजनेता नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप साधु संतों को बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देते हो, आप भगवान राम को काल्पनिक कहते हो, राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, और राम मंदिर के निर्माण करने वालों को आप यह कह दो कि ये लोग हिंसक हैं, ये नहीं चलने वाला है। बीते दिनों देखा जाता है राहुल गांधी जब गुजरात जाते हैं अयोध्या को, राम मंदिर के पूरा जो एक कैंपेन रहा है उसे बता देते हैं कि हमने उसे हरा दिया, हमने सनातन को हरा दिया, राम लहर को हरा दिया, तो आखिर ऐसे बयान क्यों आ रहा है गुरु जी? यही तो दुख है, यही तो पीड़ा है। अगर हम हिंसक होते तो क्या राहुल गांधी ये शब्द बोल पाते क्या कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया? दम है मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करके देख ले, हिंदुस्तान में कन्हैया कुमार जैसे गरीब व्यक्ति का गला कट जाता है सिर्फ नुपुर शर्मा के पक्ष लेने से। वो भी नुपुर शर्मा के डिबेट में मैं भी था, सिर्फ नुपुर शर्मा ने जो बेधर्मी था उसने सनातन को अपशब्द कहा था, उस पर नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, उसके बाद कन्हैया कुमार जैसे लोगों का सर कट जाता है। और एक तरफ नेता, राजनेता, वामपंथी, कट्टरपंथी सनातन को, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम अगर कट्टर होते तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता। अयोध्या के साधु संत जो है राहुल गांधी के ऊपर कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप लोग कुछ चाहते हैं कार्रवाई हो उनके ऊपर? नहीं, मैं तो शुरू से जनता जनार्दन से, हिंदू जनमानस से, राजनेताओं से, नेताओं से, सदन में बैठे उन नेताओं से मैंने अपील किया था जब तक राहुल गांधी माफ़ी ना मांगे, दोबारा लिखा पढ़ी में वो एक हल्फनामा ना दे कि सनातन पर ऐसे टिप्पणी नहीं करेंगे, तब तक सदन से उनको बर्खास्त किया जाए और उनको सदन में बोलने ना दिया जाए। ओ न्यूज हिंदी को खास समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
दिल्ली में आया था, यहाँ पर हनुमत महायज्ञ राम कथा का आयोजन था, उस कथा में आपसे मुलाकात हुई, संवाद हुआ, वार्ता हुआ। मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन कैसे आगे बढ़े, सनातन संस्कृति कैसे जागरूक हो, उस पर आप कार्य करते हो। बहुत बहुत साधुवाद, आभार। तमाम देखा गया देश में एक ऐसे ऐसे सनातन धर्म को बताया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। तो खासकर ऐसे लोगों के लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगे? देखिए, इस समय कलयुग चल रहा है, इससे पूर्व सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, तो ये विधर्म उस समय भी होते थे, लेकिन सोना हमेशा सोना रहता है, उसमें कभी कालिक नहीं लगती। तो सनातन धर्म एक ऐसा स्वर्ण है, एक ऐसी भारत की, क्या पूरे विश्व की ऐसी शोभा है, उसे कोई भी नहीं धुंधला सकता। तो वो सदा चमकती रही है, चमकती रही थी और चमकती रहेगी। बार बार एक प्रयास किया जाता रहा है कि सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाए, किसी और धर्म के जगह, चाहे लोग जो है बोलने पे डरते हैं किसी और धर्म के बारे में, लेकिन सनातन धर्म किसी के नीचा दिखाने से कभी सनातन धर्म ना झुकाए ना झुकेगा। ये धर्मो रक्षति रक्षतः, जब तक हिंदुत्व का जो परचम पूज्य महाराज श्री ने, हनुमानगढ़ी जो महाराज जी ने जिस प्रकार आज का उद्बोधन दिया, वो आज के नौजवान लड़कों को, बच्चों को एक उत्तेजना देने के लिए, एक वीरोपासना के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो इस बात पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब मिलकर चलें, साथ चलें। हिंदुत्व चमकता रहा था, चमकता रहेगा। आपको नहीं लगता कि देश में सनातन धर्म जो है बहुत ज़्यादा सहिष्णु होता है, इसी के लिए बार बार सनातन को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है ये कुछ करने वाला ये कौम नहीं है, कुछ करने वाला धर्म नहीं? मुझे बागेश्वर धाम सरकार के तत्वाधान में अब हिंदू समाज इतना जागृत हो चुका है, अभी जो आपने सहिष्णुता वाली जो बात कही है वो अब बहुत दूर की बात है। अब यानी कि लोगों के अंदर एक समझ आ रही है, लोगों के अंदर एक विचारधारा आ रही है कि अब वो बात नहीं है, अब हमको साथ चलना है और साथ चलने हैं, और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग साधु संत लोग तमाम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र अब घोषित कर देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र शुरू से ही भारत रहा है, केवल एक घोषणा वाली बात है। हिंदुत्व का जो परचम है वो भविष्य में आपको लहराता हुआ नजर आएगा, आपकी मीडिया के माध्यम से। मैं सबको यही एक सुंदर संदेश दूंगा, गौ सेवा, संत सेवा, हिंदुत्व और सब एक साथ होकर चलने का सत्संकल्प लें। हनुमान चालीसा का पाठ लें, परम पावन श्री हनुमान जी के पावन आश्रम में आइए, और आपके अंदर जो वीरोपासना है, ठीक है हमको मिलजुल कर रहना है, हमको साथ रहना है, लेकिन साथ में रहने का अर्थ निपुंसकता नहीं है, हम सबको साथ चलकर एक अच्छे हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। दिनों महाराज जी देखा जाता है कि श्री रामचरितमानस हिंदुओं का बहुत बड़ा पूजनीय ग्रंथ है, लेकिन यहाँ तक कि उसे भी कुछ लोग अपमानित करने से बाज नहीं है, बता दिए कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें झूठा लिखा गया, जो भी बातें लिखी गई, कैसे देखते हैं इस बयान? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक एक जो चौपाई है वो अपने आप में पावन है, पवित्र है, इसमें कोई संशय नहीं, और जो निकालता है वो विधर्मी स्वभाव का है, तो हमें उसकी बातों पर ध्यान ना देकर, बल्कि आज वो समय आ गया है उनको जवाब देने का, कि एक की बजाय हमको चार बार उसको जवाब देने का अवसर है। इस समय आज के नए भारत में ऐसे निगेटिव विचार वालों की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं रही है, वो अपने जलन के मारे तिलमिलाए हुए हैं, उनको कोई स्थान नहीं प्राप्त हो रहा, और एक दिन ऐसा आएगा हिंदुत्व का परचम लहराएगा और सब प्रकार का भारत का एक स्वर्णिम हिंदुस्तान में देखने को प्राप्त होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ डाबरी में, जहाँ श्री राम कथा आयोजित हो रहा है और भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है, और उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं वो यही रहे हैं, चारों तरफ से तमाम जो है, अभी हमने देखा किस तरीके से महाराज राजू दास जी ने भी अभी तारीफ किया इनका। तो सर, सबसे पहले ये जो आयोजन जो पूरा आपने देख रेख किया है, कैसे किया है, ये सब कैसे संभव हो पाए? ये सब लोगों की प्रेरणा थी महाराज राजू दास जी की, और ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, प्रभु राम के मार्गदर्शन अनुसार हो रहा है, प्रभु राम के कृपा से हो रहा है। हाँ जी जी जी। अब बात बाकी इसमें, अब तक जो है तमाम कितने साधु संत लोग आए हैं और कितने अभी आने बाकी? अभी तक 5-7 साधु संत आ चुके हैं, और डेली 2-4 लोग आएंगे, जैसे जैसे दिन पास आएंगे और संख्याएं बढ़ेंगी इनकी। क्या ये जो आयोजन है ये सुनने में आ रहा पहले होना था लेकिन शायद परमिशन नहीं मिल पाया, तो उस वजह से अब 1 साल की देरी से हो रहा है? नहीं, वो इलेक्शन का था कारण, इलेक्शन की वजह से परमिशन का दिक्कत था, तो इस वजह से हम लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं किया। सर, बीते दिनों देखा गया यूपी के हाथरस में घटना हो जाती है बहुत भीड़ लगने की वजह से, तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? जी, यहाँ पर पूरे से गार्ड से लेके सारे सुरक्षा पूर्ण फायर वो लगाए हुए हैं हम लोगों ने, बहुत अच्छे और सारी व्यवस्था की हुई है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कैसे देख रहे हैं इस पूरे आयोजन? बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन,
हमारे इस दुर्गा पार्क क्षेत्र का बहुत ही परम सौभाग्य है कि जन सेवा समर्पण ट्रस्ट और एवं हिंदू सुरक्षा ट्रस्ट की तरफ से इतना सुंदर और भव्य आयोजन हो रहा है। संतों का महंतों का आगमन इस धरा का परम सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे योगेंद्र भैया और हमारे मिश्रा जी, उदयेश मिश्रा जी, जो सब लोगों ने मिलकर के बहुत ही सुंदर सुरक्षा और व्यवस्था के साथ इतना भव्य आयोजन इस क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी साल जो है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी भी अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं और इसी साल देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे आयोजन के जरिए जो है वहाँ प्रभु राम जी को लाने की कोशिश साधु संतों की तरफ से किया जा रहा है। साधु संत आ भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब हिंदुत्व जो है, जो बीच में एक समय लगा था कि एकदम से डाउन हो गया है, वापस से हिंदुत्व ग्रो कर रहा है, आगे आ रहा है, ऊपर आ रहा है? जी बिल्कुल आएगा। हिंदुस्तान में जो है हिंदू राष्ट्र का जो है झंडा फहराया जाएगा। हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है प्रोग्राम चलता ही रहेगा और इससे भी जोरों शोरों से चलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोगों का मिशन है हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाकर ही रहना। बिल्कुल बिल्कुल, बना के रहना है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए एक मुहिम यहाँ किया जा रहा है सनातनियों की तरफ? जय जय श्री राम। बोल पवन पुत्र हनुमान की, बोल अयोध्या धाम की। सत्य सनातन, जिसको मुगलों ने और कई लोगों ने इसको मिटाने की कोशिश की, सत्य सनातन धर्म अजर है, अमर है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है, जो शाश्वत सत्य है, सनातन अपना सत्य है। और हम लोग देख रहे हैं, हमारे सब बड़े भाई हैं, गुरुजियां हैं वृंदावन से, ऐसे कई संतों का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। आज आप भी लाइव कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, संतों का आगमन बार बार हो रहा है और 6 दिन कचा और बची हुई है, उसमें भी संतों का आगमन होगा, बड़े बड़े संतों का, महात्माओं का। और हम लोग जिस उद्देश्य से ये कथा कर रहे हैं, सनातन को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, इसी का इस उद्देश्य से हम इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जन जन के जागरूक कराने के लिए ऐसा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण फलदायी आवश्यकता है वाकई देश में ऐसे कार्यक्रमों की, ताकि हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जा सके। ऐसा कार्यक्रम हर जगह में, हर गांव-गांव में होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व को एकता की भावना जगाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हिंदुत्व की भूमि है, जननी है। यहाँ से हम सारा विश्व में शांति के, विश्व शांति के लिए हिंदू धर्म के जो परंपरा है, सनातन का जो साइंटिफिक जो प्रैक्टिस है मानव जीवन में, उनका प्रयोग करने के लिए यहाँ पहले हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, इसके लिए जनता को जागरूक कराना पड़ेगा, इसके लिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। गुरुजी, जिस तरीके से देश में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद से एक हिंदुत्व की, सनातन की लहर आ जाती है देश भर में और तमाम जगह जो है हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू हो जाती है, मुहिम उठने लगती है, आप इस हिंदू राष्ट्र की मुहिम को कैसे देखते हैं? बहुत ही सकारात्मक इस समय समय चल रहा है हिंदुत्व का और सनातन धर्म का। सनातन धर्म ऐसा धर्म है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी जो अन्न जो पंथ हैं, धर्म सिर्फ एक ही है सनातन धर्म, अन्न जो पंथ हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परंतु सनातन धर्म सभी धर्मों के बारे में, जीव जंतु के बारे में भी सनातन धर्म सोचता है। सनातन धर्म, गुरु जी बहुत बड़ी आपने बात कही है, हर धर्मों के बारे में, हर जीव जंतु के बारे में, हर प्राणियों के बारे में सोचता है, लेकिन उसी सनातन धर्म को कुछ लोगों की तरफ से जो है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि शब्द से प्रयोग किए थे, उसे जो है हिंसक बता दिया जाता है, नफरती बता दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? वो राजनीतिक बयान है जो विपक्ष के लोग करते हैं, वो उनका मैटर है, परंतु सनातन धर्म का कभी अहित कोई कर नहीं सकता। बहुत लोगों ने प्रयास किया परंतु सब मिट गए। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कितने लोगों ने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, परंतु सनातन इतना छोटा नहीं है कि कोई मिटा देगा। इसको बचाने के लिए भगवान साक्षात स्वयं धरा पर अवतार लेते हैं। लग रहा है गुरुजी वाकई देश में आप जगह जगह आप भी जाते हैं, घूमते देखते हैं। कहा जाता है कि बीच में जो ऐसा हो गया था कि हिंदू जो है बट गया था, उसका जो दूसरे लोग है फायदा उठाते थे, जातियों में बटा था हिंदू, वापस से जो है हिंदू अब हिंदुत्व पे आ रहा है, जातियों में बटना बंद हुआ। निश्चित रूप से प्रेरणा संतों की, गुरुजनों की मिल रही है, और भी मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, गुरुजन महामंडलेश्वर हैं, कर भी रहे प्रवास किसी अनेक अनेक रास्तों से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और हिंदू जागृत हो रहा है, जातियों में न बट करके अब जो है सत्य सनातन धर्म के प्रचार के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा विचार है। आगे सनातन धर्म के लिए जो भी हमारे पूरी संस्था से, हमारे हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट और जन सेवा समर्पण ट्रस्ट की तरफ से जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब हमारे साथ वो
खास लोग हैं जिनके भरोसे जो है, जिनके जिम्मे ये पूरा आयोजन होता है। अब आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इतने बड़े भीड़ को, इतने बड़े आयोजन को कैसे आप लोग हैंडल करते, कैसे संभालते हैं, क्या इसके लिए पहले से तैयारी होती है, विचार विमर्श होता है, क्या कुछ होता है? आप जब से हमने कार्य स्टार्ट किया, हम कीर्तन संकीर्तन और ये बड़े बड़े प्रोग्राम ही मतलब सुरक्षा देने का काम करते हैं मंडलों में, और हमारी खास निगरानी रहती है कि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो इसके लिए हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं अपनी टीम के साथ, और जितना बेटर हो सके सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। अभी फ़िलहाल राम भद्राचार्य जी की भी हमने रोहिणी में रामकथा की थी, और जय किशोरी जी की बड़े बड़े प्रोग्राम, हम मुंबई जा रहे हैं थोड़े दिन बाद, तो सब हम ये हिंदू संगठन को देखते हुए, और हम और कई जगह अभी फोकस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इन कथाओं में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, ताकि हमारी पब्लिक सुरक्षित रहे, हमारे मंडल सेफ होकर काम करते रहें, हमारी सुरक्षा कड़ी रहेगी तो सारे काम बहुत अच्छे बेटर रहेंगे। कथा में आए जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती होगी उनकी सुरक्षा, जैसा इन्होंने बताया, तो उसके लिए क्या कुछ करते, कैसे वो मैनेज करते? भैया मैनेज तो कुछ तो प्रभु राम कर देते हैं, कुछ फिर हमें जो हमारे मंडल वाले हैं जो कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग मिल जाता है, कुछ फिर आप जैसे भाई हो जाते हैं वो हो जाता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। आम जन के सहयोग से ही सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। देखो अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक आम जन का सहयोग नहीं होगा अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी प्रभु राम की इच्छा है जो वो करें। Thank you.